Yeah, I'm worried about my home. I'm worried that they will burn up our house and my father, my brother. घर को भी चला दो, सब हम सब का घर चला दो। अच्छा, जो चीजें थी, जो आपकी आपके आपके सामान रहे होंगे, वो सब वहीं सब जल गया। कुछ सोचा है आगे कैसे क्या होगा? कुछ किसी ने बताया हो आगे क्या होगा? पता नहीं, उसको तो उसका फ्यूचर का अब पता नहीं क्या करेगा। 3 मई को मणिपुर फिर खबरों में आया। वजह थी राज्य में आगजनी, भीड़ की हिंसा और मौतें, जो कुकी, जो और मेईतेई समुदायों के बीच छिड़े संघर्ष का नतीजा थे। इस हिंसा को 3 दिन हो चुके हैं और राज्य में करीब 54 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। राज्य भर में भारी सुरक्षा बल तैनात है और बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में आ रही है। ऐसे में महत्वपूर्ण है कि उन कारणों की पड़ताल की जाए जिनके परिणाम स्वरूप ऐसे हालात खड़े हुए। मणिपुर में 3 और 4 मई को हिंसा राज्य की जनजातियों के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसमें मेईतेई के एक वर्ग ने उन्हें भी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग की थी। मणिपुर हाईकोर्ट ने अप्रैल के अंत में बहुसंख्यक समुदाय की मांग को मंजूरी दे दी और राज्य सरकार को केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्रालय को इसकी सिफारिश करने का निर्देश दिया। इसके बाद से प्रदेश के छोटे आदिवासी समुदायों के भीतर अपने संवैधानिक सुरक्षा उपायों को खोने का डर बढ़ गया। बहुसंख्यक समुदाय के तौर पर उल्लेखनीय है कि मेईतेई राज्य में निश्चित रूप से सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक मापदंडों के मामले में अन्य जनजातियों, विशेष रूप से कुकी जोमी समूह की तुलना में बेहतर स्थिति में है। राज्य की अधिकांश आदिवासी आबादी इसी समूह की है, इसलिए छोटी जनजातियों के बीच ये भावना है कि एसटी दर्जा ही एकमात्र बढ़त है जो उन्हें बहुसंख्यक समुदाय पर मिली हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो शरण, बिस्मिल्लाह शरण है। अच्छा, कहाँ रहती हैं, घर कहाँ है? हम चौचंदपुर का है, त्रिभुवन से। अच्छा, और यहाँ आप रिलीफ कैंप पे क्यों रह रही हैं? यहाँ तो वहाँ तो बहुत स्ट्रगल हुआ है ना, वो क्या आतंकवादी लोग, क्या क्या वो अंडरग्राउंड पब्लिक का पीपल ना, उस लोगों ने भी बहुत तंग किया है। हम लोग का घर भी सब जलाया है, दुकान को भी। इसलिए तो हम हमारे नेबर के पास ना छिप के रहता है। और उसके बाद हमारा पुलिस हेडक्वार्टर में ना, हम वहाँ पे भी हम सब छिपता है। और उसने भी पुलिस का क्या, पुलिस ने हम लोग तो एक गाड़ी में ना, एक ट्रक में सब डाल के वहाँ कोई की बीएसएफ का कैंप में भी वहाँ पे छोड़ता है। फिर वहाँ से आप कहाँ यहाँ चले आए? यहाँ पे कब से हैं आप यहाँ पे? 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। अब उसके बाद बीच में कभी वापस घर गए, अपना घर देखे? वापस नहीं गया। घर जला दिया? घर को भी चला दिया, सब का घर चला दिया। अच्छा, जो चीजें थी, जो आपकी आपके आपके सामान रहे होंगे, वो सब वहीं सब जल गया। कुछ सोचा है आगे कैसे क्या होगा? कुछ किसी ने बताया हो आगे क्या होगा? पता नहीं, उसको तो उसका फ्यूचर का अब पता नहीं क्या करेगा। हम सोच सोच के बहुत चिंता हो रही है। यहाँ पे खाना पीना मिल रहा है? मिल रहा है, सब मिल रहा है, बहुत अच्छा से किया। What is your name? My name is Lin Thoy. Okay, and where do you live? I live in Chorchanpur, Tuibong. But you are living in a relief camp, why? Because of the war is happening now, and Where is your home? Where is your home? Chorchanpur. Okay, and is there any danger because you are living here? You left your home? Yeah, I'm worried about my home. I'm worried that they will burn up our house and my father, my brother.